ठीक है। नमस्कार, मैं विवेक शर्मा संकल्प उनियन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हमारे साथ वेब स्टूडियो में पुनः मुखातिब हो रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय माता सुंदरी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हरप्रीत कौर जी। आपको बता दें कि प्रोफेसर हरप्रीत कौर जी इससे पूर्व भी गुरु नानक देव जी के जीवन दर्शन एवं व्यक्तित्व पर आधारित अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर चुके हैं। आप उसे हमारे चैनल पर पुनः देख सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अगर हम प्रोफेसर हरप्रीत कौर जी के जीवन में अगर उनके लेखन एवं कृतित्व पर बात करें तो आपकी 23 से अधिक पुस्तकें, 24 से अधिक समीक्षाएं जिसमें आपने विभिन्न पुस्तकों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं, 50 से अधिक शोध आलेख और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके व्याख्यान आपने प्रस्तुत किए हैं। आप निरंतर साहित्यिक और राजनीतिक शास्त्र जो कि आपका मुख्य विषय भी रहा है उसमें आप निरंतर लेखन कर रहे हैं। आपकी कई पुस्तकें अभी प्रकाशाधीन हैं और आप निरंतर इस क्षेत्र में निरंतर संलग्न हैं कार्यरत। आज का मुख्य कार्यक्रम पूर्णता आधारित है प्रोफेसर हरप्रीत कौर जी के जीवन दर्शन एवं उनके जीवन व्यक्तित्व पर। तो आइए सीधा मुखातिब होते हैं रोशन ख्याल रोशन जहन प्रोफेसर हरप्रीत कौर जी से और जानते हैं उनके जीवन के अनुभवों के बारे में। बहुत बहुत आभार मैम आपका आपने समय दिया। धन्यवाद विवेक। मैम, हम आपके व्यक्तित्व में एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के बतौर देखें, एक एक अध्येता के तौर पर देखें, एक व्यक्तित्व के तौर पर देखें जिन्होंने बेहद बृहद तौर पर बड़े कैनवस पर कार्य किया है। हम गुरु नानक देव जी के सिख इतिहास पर बात करें, उस क्षेत्र में कार्य करने को लेकर देखें तो उसमें भी आपने एक बड़े कैनवस पर कार्य किया है। आपको यदि हम एक प्रशासनिक जो अनुभव है आपका उस दृष्टि से देखें, चाहे एक अनुवादक के तौर पर देखें, आप प्रत्येक क्षेत्र में अपनी विशेष दस्तक रखती हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के जो आरंभिक जो तो समय था वो उस विषय में कुछ बताएं। आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, जन्म कहाँ हुआ इस संदर्भ में? मेरा जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ है, तो हिंदी बेल्ट राजस्थान में हुआ है। और जहाँ तक मेरे बचपन का सवाल है तो वो मेरा बचपन भगवान की दया से बहुत ही अच्छा था। उसमें देखिए मेरे माता पिता दोनों ही जो हैं बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया और शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। तो मैं मेरे पिता और माता के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पिताजी पोस्टमस चाइल्ड थे, मतलब उनके फादर की डेथ हो गई थी तब उसके बाद उनका बर्थ हुआ था। और वो गांव में जलंधर के पास गांव था उनका, वहाँ पे रहते थे। और देखो वो खुद जो है मीलों चल के स्कूल जाते थे, नदी भी पार करनी पड़ती थी, स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ते थे, परंतु जो पढ़ाई करने का बड़ा शौक था। तो उसके बाद में वो अजमेर आए, शहर में आए और आ करके उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है जारी रखी और साथ में ये देखिए कि उन्होंने काम भी किया और साथ में अपनी पढ़ाई को भी जैसे जो फंड किया और ऐसे वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन शिक्षा के और जो रोज़गार के नए आयामों के बारे में भी उन्हें कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई बुजुर्ग नहीं था जो उनको गाइड कर सके। तो उन्होंने खुद ही ढूंढा कि भाई नहीं, पढ़ाई करने के बाद एमए करने के बाद तो लेक्चरर बनना चाहिए। तो वो दौसा में एक कॉलेज में लेक्चरर लगे और उसके बाद में उन्होंने किसी ने बताया कि आरएएस की परीक्षा भी होती है, तो उन्होंने फिर आरएएस की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से वो जो है नंबर आए और फिर वो आरएएस लगे और रिटायर होते होते वो आईएएस होकर के रिटायर हुए। तो एक सेल्फ मेड जो है उनके जो समझती है कि उनकी जो कहानी है पूरी सेल्फ मेड है। तो उन्होंने खुद ही पढ़ाई करी, खुद ही रास्ता ढूंढा और इतने ऊंचे जो है पद पे आसीन हुए। और साथ ही उनकी एक बड़ी खूबसूरती थी कि वो बहुत ही ऑनेस्ट और लोगों के आगे बढ़ के करने वाले व्यक्ति थे, तो लोग उनका बहुत आदर थे। तो वो बचपन में हमने देखा कि वो कैसे उन्होंने मतलब अपनी जो है रोजगार में भी, जो अपने एम्प्लॉयमेंट में भी और अधिकारी के पद पे भी होते हुए, लेकिन उनका जो इतना आदर था, तो वो जो है मेरे मन में आज भी जहन में वो बातें बैठी हुई हैं। तो साथ ही अगर मैं अपनी माताजी के बारे में बतलाऊँ तो मेरी माताजी के पिताजी जो थे रेलवेज में थे। तो रेलवेज में जैसे आप जानते हैं कि अच्छा है, सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छी होती है, लेकिन जो उनके पिताजी की जो पोस्टिंग होती थी वो गांव में जाकर के कहीं दूर इलाकों में जहाँ पे स्कूल नहीं होते थे,
तो मेरी माता जी को भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। तो बचपन में ही उन्हें जो है रिश्तेदारों के पास में रखा गया कि भी आप रिश्तेदारों के पास रह के पढ़ सकें। लेकिन अब आप सब जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो उतना अच्छा माहौल रिश्तेदारों के घर मिले। तो थोड़े जब वो बड़े हुए तो उन्हें हॉस्टल में डाला गया। देखिए उस समय की बात है, आज से कितने साल, 50 साल से भी ज़्यादा की बात, पुरानी बात है कि उस समय जब लड़कियों को शिक्षा भी पूरी तरह से नहीं दी जाती थी, और लेकिन उस समय जब है माता जी को मतलब इतना शौक था पढ़ने का, और उनके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया, और उनकी माता जी कहती थी मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की पढ़े क्योंकि मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ। तो वो फिर महारानी इस कॉलेज जयपुर में रह के उन्होंने अपनी बीए की, और बीए करते ही उनकी शादी हो गई। तो लेकिन आप देखिए मेरे पिताजी जो है महिला जो है शिक्षा के कितने ज़्यादा हक में थे कि उन्होंने माताजी को कहा नहीं आप एमए करो, फिर एमए कराई, एमएड कराई, फिर राजस्थान जो एजुकेशन सर्विस का जो इम्तिहान उन्होंने जब पास किया, और उसके बाद में वो प्रिंसिपल और इस तरह के पोस्ट पे भी लगे, और डेप्टी डायरेक्टर जो SIERT होके रिटायर हुए। तो हमारे माता पिता जो दोनों इतने एजुकेटेड थे, तो वो सिर्फ हम दो बहनें हैं, हम दोनों बहनों को यही कहा जाता था कि आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई पे आपका जो है पूरा केंद्र बिंदु होना चाहिए। और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी डॉक्टर बनी, तो इसीलिए कि हमें इतना प्यार भरा माहौल मिला और इतनी प्रेरणा मिली अपने ही घर में, अपने ही परिवार से, अपने ही माता पिता से कि हम आगे कुछ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आरंभिक जीवन के इन लम्हों को हमारे साथ साझा किया, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। जब हम आपके शैक्षिक दौर को देखते हैं तो आप लगातार आप भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और आपने शैक्षिक क्षेत्र में ही नहीं आपने अन्य गतिविधियों में भी अपने अन्य रुझानों को भी पूरा किया है। और मैं चाहूंगा कि हर एक विद्यार्थी के शैक्षिक अभिरुचियों के अलावा कुछ और महत्वाकांक्षाएं इच्छाएं होती हैं जिन्हें वह पूरी करता है, और सामाजिक चाहे वो दायरे हों चाहे वो सामाजिक कार्य हों उनमें भी अपनी एक विशेष दस्तक रखता है। तो क्या शिक्षा के अतिरिक्त खेल या अन्य चीजों के प्रति भी रुझान रहा? हाँ विवेक, बात ऐसी थी कि सबसे ज्यादा रुझान तो पढ़ाई की तरफ था ही, और जो जो हम बड़े हुए तो पढ़ाई के पीछे हमारी जो रुचि थी वो बहुत ज़्यादा भी होती गई। लेकिन उसके बावजूद भी हमने खेलों को भी जो है प्राथमिकता दी। तो उस समय स्काउट गाइड का प्रचलन था, तो गाइड में भी मेरे जो है वहाँ पे भी बहुत कैंप्स हमने अटेंड किए, बहुत से जो है गतिविधियों में भाग लिया और बहुत से कॉम्पिटिशन में भाग लिया, जैसे साइकिलिंग में और हर्डल साइकिलिंग, सो साइकिलिंग, इस तरह की जो है खेल जो है, और बास्केटबॉल टीम के भी जो है स्कूल में कैप्टन में रही। और इसके साथ ही जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है उसमें हमारे स्कूल का जो है एक कंटिंजेंट जाता था, तो उसमें मैं लीड भी करती थी, और मार्च पास में हर साल जो है बिना रोक टोक के हम उसमें जाते थे, और बहुत अच्छा लगता था क्योंकि एक देशभक्ति की भावना जो वहाँ पे उजागर होती थी वो भी हमें मतलब अभी तक याद है कि किस तरह से हम जाते थे और किस तरह से वहाँ पे जो कलेक्टर है वो सलामी लेते थे, और बहुत से लोग जो है मैं स्टेडियम में इकट्ठा होते थे। तो इस तरह की बातें जो हैं, खेल और पढ़ाई को कोशिश की कि कुछ बैलेंस हो जाए। बैडमिंटन भी खेला और कॉलेज में भी खेला, स्कूल में भी खेला, इसीलिए कि पढ़ाई से अगर हम लगातार करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उसमें जो है चेंज ऑफ वर्क की बात हमें चाहिए, तो वो हमें खेलों में मिला। तो वो उससे हमें जो है पढ़ाई में भी रुचि दोबारा हो जाती थी और खेलों में भी बरकरार रहती थी। तो कोशिश करी है कि उस तरह से खेलों में भी हमारा रुझान बना रहे, हालांकि उस लेवल पे नहीं खेला है, लेकिन कुछ कॉलेज और स्कूल दोनों में कहीं ना कहीं कॉलेज स्कूल की टीम में मैं रही हूँ। निश्चित रूप से एक बहुत अहम बात है जो आपने हमसे साझा की, इससे विद्यार्थियों को ही नहीं विभिन्न व्यक्तियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि आप किस प्रकार से शिक्षा और खेल दोनों में एक सामयिक संतुलन स्थापित कर सकते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ इस बहुआयामिता की, कि इतनी वर्सिटैलिटी हम देखते हैं, इतनी बहुआयामिता आपके व्यक्तित्व में देखते हैं, जब आपकी पुस्तकों को देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो और चाहे राजनीतिक शास्त्र से संबंधित पुस्तकें हो, चाहे आपकी सिख
धर्म एवं इतिहास को लेकर लिखी गई पुस्तकें, गुरु नानक देव जी पर आधारित आपकी जो पुस्तकें हैं, आपने कई अनुवाद कार्य भी किए, तो इतनी सारी चीजों में अपनी एक विशेष पकड़ रखना, अधिकारिता रखना, क्या ये कितना मुश्किल रहता है या किस प्रकार से आप इसमें? बहुत ही रोचक सवाल है। ये मुझे लगता है कि ये आसान तभी हो सकता है जब आपको किसी कार्य में रुचि हो। वर्क इज वर्शिप वाली बात है। तो जो भी काम मैंने किया, चाहे मैंने पॉलिटिकल साइंस की किताबें लिखी, तो एक मन से रुचि हुई कि कुछ लिखना चाहिए, स्टूडेंट्स को हम रोज पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बेनिफिट के लिए, उनके हित के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी किताबें जो हैं लिखी, कुछ कॉमर्स से रिलेटेड भी हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हैं। तो धीरे धीरे कुछ रुझान इस तरफ बढ़ा कि सिख इतिहास जो है, और हमारे जो इतना जो रिच इतिहास है, उसके बारे में कुछ पढ़ा जाए। मुझे याद आता है कि जो पहला मैंने लेख लिखा था, जो सिख हिस्ट्री को के बारे में था, तो उसके लिए जो इस मैगजीन में भेजा, उसके एडिटर जो 90 साल के हैं और 70 साल से वो पत्रिका सिख रिव्यू चला रहे हैं, उनका उनकी जो है एक चिट्ठी आई, उनका एक पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा, एनकरेज हर टू राइट। तो अगर उन्होंने लिखा तो ये एक मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली कि अगर किसी व्यक्ति जिनको इतना अनुभव है लेखन के बारे में, वो कहते हैं कि मुझे लिखना चाहिए, तो एक अंदर से प्रेरणा वो हुई कि भाई मैं इसको जो है सिख इतिहास के बारे में और लिखूं और पढ़ूं और लोगों को बतलाऊं। और धीरे धीरे कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जाने लग गई जहाँ पे कि सिख इतिहास के बारे में चर्चा होती थी, तो इसके बारे में रुचि और भी जो है गहरी होती चली गई। और आज ऐसा लगता है कि जब समय मिलता है, मन करता है कि कुछ नए सिख इतिहास के पहलू है उनको खोजा जाए, उनके बारे में लिखा जाए, लोगों को उनके बारे में बतलाया जाए, खास करके युवा लोगों को, जो कि मेरी समझ से जो है हमारे जो मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। वो हमारे मूल्यों से इसलिए दूर होते जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे कल्चर के बारे में नहीं पढ़ते, हमारे जो इतिहास है उसके बारे में नहीं पढ़ते। वो सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे जो है चल रहा है उससे ही बहुत खुश रहते हैं। तो इस तरह के माहौल में हमें युवा वर्ग को चैनलाइज करने के लिए इस तरह के लेख और इस तरह की जो किताबें हैं जरूर आनी चाहिए, ताकि हम उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से बतला सकें कि हमारा इतिहास जो इतना ज़्यादा गहरा था, जो इतना ज़्यादा रिच था, वो आज हाँ कहीं हम क्यों खोते जा रहे हैं, क्यों नहीं हम उसको फिर से पकड़ के और उसको हम कोशिश करते हैं कि हम हमें आगे से आगे अपने कल्चर को बढ़ाएं। और जहाँ तक ट्रांसलेशन की आपने बात करी है, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन की जो ये पता नहीं कैसे आया, ये इसलिए कि मैं हिंदी बेल्ट में रहती थी, लेकिन मेरी जो शिक्षा है वो शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई थी। सेंट मेरी स्कूल कॉन्वेंट में पढ़े थे तो वहाँ, तो लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में पढ़े, लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे लेक्चर्स जो है, क्योंकि हिंदी बेल्ट था तो इसीलिए कॉलेज में जो लेक्चर्स हैं वो हिंदी में होते थे, लेकिन मुझे जो कि हिंदी भी समझ आती थी क्योंकि हम राजस्थान पत्रिका भी पढ़ते रहे थे बचपन से, तो हिंदी तो आती ही थी, लेकिन उस समय मैंने कॉलेज में क्लास में ही ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया कि वो टीचर मेरा हिंदी में बोलते थे और मैं उसको इंग्लिश में करके लिखती थी। तो एक ट्रांसलेशन की पकड़ वहीं से जो आई, या स्पीड उस वहीं से आई कि एक आपको सोचते सोचते मतलब अक्षर आ रहे हैं एकदम से, तो वो चीज़ आई। और अब वो ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो मैंने कोशिश करी है कि कुछ इंग्लिश से हिंदी भी किए हैं या पंजाबी से इंग्लिश भी किए हैं। तो पंजाबी से इंग्लिश करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि ट्रांसलेशन जो अपना जो जो विधा है वो बहुत मुश्किल है। उसमें आपको जब तक उसकी कल्चर के बारे में नहीं पता है, या तो मुझे जैसे पंजाबी कल्चर के बारे में अगर पूरी तरह से रुचि नहीं है, नहीं पता है, तो मैं उसको नहीं लिख पाऊंगी। मैंने बाबा बंदा सिंह बहादुर की भी कुछ टेक्स्ट ट्रांसलेट करी हैं, तो उसमें अगर मुझे उनके इतिहास के बारे में नहीं पता है और जो सिखी का जज्बा उस समय था, कि सैक्रिफाइस करने का जज्बा उसमें था, उस समय था सिखों में, ये तो अगर मैं उस बात को नहीं समझती हूँ तो ये बात मैं ठीक से नहीं लिख सकती हूँ। तो इसीलिए जो है एक तरह तरह के काम करने से थोड़ा ट्रांसलेशन में जो है थोड़ी पकड़ जो है
वो बनती चली गई और थोड़ा इंटरेस्ट जो है बनता चला गया। तो कुछ इस तरह से जो है ट्रांसलेशन वाली जो है बुकलेट्स भी मैंने लिखी हैं, जैसे भाई कन्हैया पे भी लिखी है, क्योंकि भाई कन्हैया को वो लोग बहुत जानते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम रेड क्रॉस की बात करते हैं तो वो फोर रनर थे रेड क्रॉस के, जो मानव सेवा के जो मूल्य थे वो उन्होंने उसी समय जो है कि जैसे सेना में जो लोग घायल हो जाते थे उनको उन्होंने पानी भी पिलाया, और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें कहा कि तुम मरण पट्टी भी इन पे लगाओ, एक दवा भी दी उन्हें। तो एक जो कि जो लोग वॉर के पार्ट नहीं हैं उनके लिए भी जो है मानव जो है मूल्य के साथ में उनका जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको उनके साथ ऐसी वो व्यवहार नहीं होना चाहिए कि वो वॉर का पार्ट है, उनके साथ में एक मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। तो ये बात उसमें मैंने लिखी। तो इस तरह से कुछ इंटरेस्ट बनता चला गया, और आज भी दिल करता है कि ज्यादा से ज्यादा समय लेखन के प्रति मैं वो सजग रहूं और कुछ ना कुछ करती रहूं। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि ये इंटरेस्ट नहीं मैम, ये आधिकारिकता है। जिस प्रकार से आपने भाई कन्हैया जी पर आधारित जो पुस्तक आपने लिखी है, वह हिंदी में है पूर्णतः, हाँ बिल्कुल प्रकृतः हिंदी में हिंदी में, है। और ये हाँ बोल रहे देव हैं। है कि आप जब पंजाबी से हिंदी में या पंजाबी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में जब एक ट्रांसलेशन करते हैं तो अनुवाद अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, और यदि उसे उसकी समझ उसकी शैली की समझ आपको ना हो तो वह नहीं किया जा सकता, और आपने बखूबी इन कार्यों को पूर्ण किया है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि बात हो रही थी आपके विद्यार्थी जीवन पर, लोग हमारी जानकारी में ये भी आया कि लोग जिस स्कॉलरशिप को एक बार जीतने में अपना सम्मान समझते थे वह आपने लगातार अनेक बार जीते, और शायद नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन कुछ ऐसा कोई वो NTSC की स्कॉलरशिप जब तक आप पढ़ते रहो तब तक आपको मिलती है, तो एक बार आपको क्लियर करनी होती है, और ये बहुत थोड़े लोगों को मिलती है। तो इसके लिए जो 11वीं के बाद मैंने परीक्षा दी उसमें नंबर भी आए, उसके बाद में जयपुर में जा करके मेरा इंटरव्यू भी हुआ, तो उदयपुर से मुझे जयपुर भी जाना पड़ा। तो एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी उस जिसको पास करने की, और बहुत थोड़े छात्रों को जो है ये वाली जो छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो ये कोशिश की कि भाई और काम किया, तो कुछ भगवान की दया से ये जो है इसमें मैं सफल रही। आप 2018 या 2019 की हम जब बात करें तो आपने खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो विशेषकर सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारों को जाकर जो उसके उनके दर्शन को लेकर आपने जो विशेष रिसर्च की जो खोज की वहां उससे संबंधित अपने कुछ अनुभव बताएं कि आपने क्या पाया उससे संबंधित। हाँ, कुछ ऐसा रुझान पैदा हुआ कि रिसर्च के लिए जो है गुरुद्वारों को हम एक धार्मिक स्थल मानते हैं, वहाँ जाके हम पूजा भी करते हैं, वहाँ जहाँ जाके मत्था टेकते हैं और पाठ भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, ये सब बातें भी हैं। लेकिन उस तरह से कुछ हिस्टोरिकल गुरुद्वारों को देखने की कोशिश करी कि उनमें मतलब कहाँ वो इतिहास में कहाँ पे वो है बनाए, कब वो बनाए गए और उनका क्या इतिहास रहा है, और कहीं वो ऐतिहासिक दृष्टि से आज उनका हास तो नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें देखने के लिए जो है अगर मैं गुरु नानक देव जी के उस गुरुद्वारे के देखूं, क्योंकि उन्होंने बहुत दूर दूर तक उदासियां की थी, तो यहाँ बांग्लादेश तक भी वो गए और मक्का मदीना तक भी गए, तो कोशिश की क्योंकि पाकिस्तान में जन्म से लेके जो उनके जब उनका काल निकट था या वो मृत्यु को भी प्राप्त हुए उस समय जो है उस समय जो सारा कुछ है वहाँ जो पाकिस्तान के गुरुद्वारों में एक हिस्ट्री हमारे सामने आती है। तो जन्म गुरुद्वारा जन्म स्थान जो है सबसे पहले हमने वो भी देखा, और सबसे खूबसूरत वहाँ पे मुझे जो बात लगी कि देखिए वहाँ पे पश्तो लैंग्वेज बोलने वाले लोग बहुत हैं, और हर जुमे के दिन फ्राइडे को जो कथा होती है वो पश्तो में भी की जाती है,
और हम फ्राइडे को वहां थे, तो जब वो पश्तो में कथा हो रही थी, हालांकि हमें समझ नहीं आ रही थी, पर एक जो है एक स्वर्गीय सा एक रूहानी सा माहौल जो वहां बन गया था, वो मुझे बहुत उससे मुझे बहुत प्रभावित किया। और आज तक मुझे याद है कि ऐसा लगता था कि हम कहाँ मतलब स्वर्ग में चाहे बैठे हैं कि ये कथा हो रही है जिसको हमें समझ नहीं आ रहा। और इसी से एक मतलब रिलेटेड सवाल मेरे जहन में जो उठता है बार बार कि गुरु नानक देव जी ने इतनी यात्राएं करी और वहाँ पे जो लोग थे वो विभिन्न विभिन्न भाषाओं को बोलते थे, तो इन विभिन्न भाषाओं को गुरु नानक देव जी कैसे उनके साथ में डायलॉग करते थे या बातचीत करते थे या उनकी बात समझते थे, उनका नज़रिया समझते थे, तो ये सब बातें जो है ना ये मेरे को बहुत ही मतलब समझ नहीं आता कि कितना ज़्यादा प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व होगा कि वो बिल्कुल ही जो अलग तरह के लोग थे उनको भी इतना प्रभावित कर देते थे कि वो जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मान लेते थे और जो उनकी अपनी मान्यताएं हैं उनको त्याग देते थे। तो ये कमाल की बात है कि किस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा होगा। तो उसके बाद में जो जहाँ पे वो पढ़ते थे या फिर जो जहाँ पे उन्होंने सच्चा सौदा किया, जो 20 रुपए का लंगर उन्होंने लगाया जो आज तक चलता आ रहा है, तो वो गुरुद्वारा भी हमने जो है हम गए। उसके बाद में एक रोड़ी साहब गुरुद्वारा है वहाँ पर, जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपने आप को तैयार किया उदासियों पे जाने से पहले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हम जंगल में जाएंगे या दूर दूर की यात्राएं करेंगे तो हम हमारे शरीर को कष्ट जरूर होगा, और उसको ये सहन करने की जो क्षमता है उसको हमें जो है विकसित करना पड़ेगा। तो यहाँ रह के गुरु नानक देव जी रोड़ी पे भी सोए और उन्होंने अपनी जो क्षमता है आगे आने वाले दिनों के लिए उन्होंने विकसित की। तो बड़ी मतलब लॉजिकल बात लगती है, बड़ी खूबसूरत बात लगती है। फिर उसके बाद में हमने जो है पंजा साहब गुरुद्वारे गए, जहाँ पे उन्होंने पंजे से जो है एक बड़े पत्थर को रोक लिया और पानी की जो समस्या जो थी वहाँ पे लोगों की, वो उन्होंने जो है उसका समस्या का हल किया। देखिए उस समय पानी जो है की जो है कमी थी, किल्लत थी, तो जहाँ पे भी कई जगह ऐसा दिखता है कि जहाँ पे भी गए गुरु नानक देव जी गए वहाँ पे उन्होंने कोई कुआं भी खोदा या बौली थी या फिर उन्होंने कोई नदी नहर, कुछ ऐसी बात जरूर आती है, क्योंकि एक ये जन साधारण की एक समस्या जल की समस्या भी है। और आज भी हम जैसे देखते हैं कि कुछ सालों में जो अगर वर्ल्ड वॉर आगे होगा तो वाटर पे होगा ऐसा माना जाता है, तो जल की समस्या को उन्होंने ध्यान में रखते हुए लोग, और इसीलिए शायद वो लोगों के नज़दीक भी आ गए, क्योंकि रोजमर्रा की जो उनकी जल की समस्या थी वो उन्होंने जो है हल की। तो पंजा साहब गुरुद्वारे वहाँ हम गए, जहाँ का कल कल करता हुआ पानी जो निकलता है पहाड़ों के बीच में से, बहुत ही मतलब आनंदमयी था वो वातावरण। उसके बाद हम करतारपुर साहब गुरुद्वारे गए। अब करतारपुर साहब गुरुद्वारे की खूबी देखिए, करतारपुर साहब मैं 2 बार गई हूँ। जब ये कॉरिडोर जो आजकल बहुत बातचीत चल रही थी पिछले साल 550 साल जब हमने गुरु नानक देव जी का मनाया था, तब करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान और भारत की सरकार ने कहा कि हम इसको एक वीज़ा फ्री रिजीम करके, और उन्होंने जो बिना वीज़ा के आप वहाँ पे सुबह जाके और ट्रैवल करके और देख के और अपना जो है मथा टेक के आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी, कहीं भी दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है कि वीज़ा के बगैर किसी धार्मिक स्थल पे आप जा सकते हो और मथा टेक के आ सकते हो, तो ये बहुत खूबसूरत जो है कदम था। तो जो करतारपुर साहब की जहाँ तक मैं बात करूँ, वहाँ पे गुरु नानक देव जी जो है 18 साल रहे तकरीबन, और ये जो पार्टीशन के बाद में ये गुरुद्वारा जो है कहीं ना कहीं ये गुरुद्वारा बंद इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे श्रद्धालु नहीं रहे और कुछ आसपास के लोग वहाँ पे गांव भी नहीं थे, तो 1999 में ये गुरुद्वारा खोला गया। और उसके बाद में 20 साल तक, और 20 साल में 2019 में उसको इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बना दिया गया कि वो आज वहाँ पे कई लोग मथा टेकते हैं। तो और एक जो दूरियाँ दो देशों की थी वो भी कम हो गई हैं। तो वहाँ पे से ये एक सिर्फ गुरुद्वारा ही नहीं है परंतु उनके पूरे जीवन का निचोड़ है।
जिससे हमें आगे जो है के बारे में सीखना चाहिए। देखो आज जो हमारे जो समाज में समस्याएं हैं, अलगाव की समस्या है या फिर हिंदू मुस्लिम हम जो है दूरी करके बना लेते हैं या फिर हम आपस में झगड़ते हैं, भाईचारे से हम रह नहीं पाते हैं या फिर हम दूसरों को के बारे में नहीं सोचते, तो ये सब बातें वहाँ पे रहते हुए खुद भी गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में जो है एक उदाहरण के तौर पे पेश करी और वहाँ रहने वाले जो उनके शिष्य थे उनको भी ऐसी प्रेरणा दी कि वो भी इस तरह का जीवन जिए जिस जो कि किसी भी धर्म से परे हो, जो किसी भेदभाव से परे हो, जो किसी अलगाव से परे हो और एक प्यार भरा जो माहौल उन्होंने वहाँ पे बनाया। तो ये सब बातें आज जो हैं हमें सीखनी चाहिए। और इसके बाद मैं अब बताऊँ आपको, तो अगर बांग्लादेश की जहाँ तक बात है तो बांग्लादेश में दो गुरुओं ने जो है ट्रैवल किया। पहले तो गुरु नानक देव जी गए और बाद में गुरु तेग बहादुर जी भी गए। तो गुरु नानक देव जी जहाँ गए तो जो गुरुद्वारा नानकशाही है वो गुरुद्वारा वहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी की रादर ऐसा कहें कि यूनिवर्सिटी ने जो है गुरुद्वारे की जमीन पे यूनिवर्सिटी बनाई गई है, पर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने जो वैसे ही बना रहने दिया और उसके आसपास जरूर उन्होंने और चीज़ें बना दी गई हैं लेकिन ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना है। और वहाँ पे जो है कुछ हस्तलिखित बीड़ें भी हैं, दो श्री सुनहरी साई बीड़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और कुछ बाकी बीड़ों से जो है अलग है। इसमें हस्तलिखित कुछ ड्राइंग्स भी की गई हैं, आसपास में कोने जो है उसके सजाए गए हैं और जो कि कुछ पन्नों बाद बदल जाती है, फिर इसकी स्याही कौन सी है और ये कब लिखी गई, कुछ ऐसी बातें भी उसमें हैं। और ये भी माना जाता है कि 1971 वॉर में कुछ नुकसान हमारी जो आदरणीय बीड़ों को भी हुआ था, लेकिन वो एक सेंटर में अभी जो है प्रिजर्व्ड हैं और बांग्लादेश सरकार जो है कोशिश कर रही है कि इन्हें प्रिजर्व किया जाए। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत बांग्लादेश गुरुद्वारों के बारे में बहुत दुख जो लगा कि वहाँ के गुरुद्वारों का जो मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरह का नहीं है कि आपको अच्छा लगे। कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बहुत खुल के नहीं कहना चाहती, लेकिन मैनेजमेंट को बदलने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और कुछ गुरुद्वारे ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना दिया है या लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है। जैसे कि गुरु तेग बहादुर जी से एक संबंधित गुरुद्वारा है संगत टोला जी, जिसकी बिल्डिंग हालांकि पुरानी है और कुछ जर्जर अवस्था में भी है, तो कुछ कोशिश करनी चाहिए कि ये जो ओरिजिनल बिल्डिंग है वो बनी रहे लेकिन उसके आसपास के इलाकों पे जैसे लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इस तरह की बातें जो है कुछ दुख देती हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा इतिहास है वो मिटाने की कोशिश इसमें नज़र आती है, तो कुछ हमें कोशिश करनी चाहिए बाकी जो हम गुरुद्वारा कमेटी है उसको आगे चल करके इन गुरुद्वारों, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी तो है कि वहाँ पे संगत इतनी नहीं है, अगर संगत नहीं है तो वहाँ पे चढ़ावा नहीं आता तो इनकी मेंटेनेंस नहीं हो सकती, तो कुछ सब बातें हैं। तो इन सब बातों को ख्याल करते हुए ये ऐतिहासिक जो गुरुद्वारे हैं इन्हें हमें बचा के रखना है क्योंकि हमारी ये बहुत खूबसूरत धरोहर है और उस धरोहर को हमें संजो के रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी हमें इतिहास को समझ सके और गौरवमय इतिहास को याद करे और अपने जहन में उसको बिठा के रखे। बिल्कुल, ये गौरव का विषय है। जो नई बातें आपने हमें बताई उन यात्राओं से, उन रिसर्चर्स जो आपने खोज वहाँ पर जो आपने देखा अनुभव किया उसे हमसे साझा किया, से निश्चित रूप से आपकी बात विभिन्न लोगों तक पहुंचेगी और इस दिशा में निश्चित रूप से बेहतर कार्य किए जा सकेंगे। और मुझे ये भी पता चला मैम कि आप लगातार पिछले जब से एक प्राचार्य के बतौर जब हम आपको देखते हैं, माता सुंदरी कॉलेज ने लगातार पिछले वर्षों में तकनीक के तौर पर चाहे वो डिजिटल प्रोग्राम्स हो, वेबिनार्स हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, डिजिटल कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, FBP हो, लगातार शिक्षा, खेल और
शिक्षा के डिजिटलीकरण को हम जब देखते हैं तो आपने निरंतर प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं और लगातार आप उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इस इन सभी चीजों को लेकर आपका क्या स्वप्न है मैम? आप क्योंकि जिस युद्ध स्तर पर आप काम करते नजर आ रहे हैं, जो उपलब्धियां अभी मिल रही है वो काबिले तारीफ है, आप इस विषय में कुछ बताएं। तो इस बारे में ये बतलाना चाहूँगी कि माता सुंदरी गुरुद्वारा जो कॉलेज में मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ है, और जब मैं आई तो नेचुरली कुछ नए विचार थे क्योंकि जो इस कॉलेज में नहीं थे, तो मुझे लगा कि इन नए विचारों को जो है प्रयोग में लाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आते ही कुछ डिजिटलाइजेशन की बात की कि जहाँ जहाँ हम जो डिजिटल ये तकनीकी जो उपकरण है इनको इस्तेमाल करके अपने जो अकादमिक कार्यों को सिंपल बना सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो कोशिश करी और काफ़ी हद तक सफलता मिली, लोगों ने बड़ा साथ दिया और लोगों ने बड़ा काम किया। तो वो कुछ तकनीकी जो है माध्यम हमने पहले ही जो है अडॉप्ट कर लिए थे, और लॉकडाउन के दौरान जैसे अभी आपने बताया, तो लॉकडाउन के दौरान तो हमने जो है वेबिनार्स की एक लड़ी सी जो है लगी हुई थी, और हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए, कुछ COVID-19 के इकोनॉमिक पार्ट, या फिर समाज पे उसका क्या प्रभाव है, या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोविड का क्या प्रभाव लोगों पे नज़र आता है, या फिर जो हमारी कम्युनिटी है वो क्या कर रही है। तो कोविड के अलग अलग जो है प्रभावों पे हमने विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही हमने और भी बहुत ही जो है विमेन के बारे में भी डिस्कशन किया, या आज जैसे एक हेल्थ के बारे में हमने जो है एक टॉक रखी हुई है। तो और इसके साथ ही जो अभी है कल ही हमने संपन्न किया FDP था, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाल ही में आपको पता है कि उसका जो अनाउंस हुई है, और इसको भी हमने जो देखा भाषा की दृष्टि से देखा कि भाषा, क्योंकि नई जो है शिक्षा नीति ये कहती है कि हम जो लोकल लैंग्वेज है उसका उसको भी उतने ही प्रोत्साहन देंगे, या बच्चे की शिक्षा जो है लोकल लैंग्वेज में भी होगी, और हिंदी इंग्लिश तो है ही, या फिर इधर और क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लोकल भाषा की जो है प्रगति की बात इसमें बहुत निहित है। तो उसके बारे में हर एंगल को हमने देखा कि लोकल भाषा, कई भाषाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म होने वाली है। यूनेस्को कहता है कि बहुत सी हमारी जो भाषाएँ हैं बिल्कुल जो है इस कगार पे हैं कि वो ख़त्म हो जाएं, तो उन्हें कैसे बचाया जाए। कुछ भाषाओं की जो है स्क्रिप्ट ही नहीं है, और इसीलिए वो लोग जो है बता नहीं पाते कि लिख नहीं पाते, तो और दूसरी जो भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो लिंग्विस्टिक प्लूरालिटी है हमारी, जो हमारी जो भाषा की जो विविधता है, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कार्य करना होगा, क्योंकि आज हमारी लोकल भाषा में हमारे पास ना किताबें हैं, ना उस तरह के हमारे पास अध्यापक हैं जो पढ़ा सकें। तो एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने होने वाला है, लेकिन इस चैलेंज को जो है उसको हमने मीट करना है। तो कुछ हम इसमें सुझाव हमने दिए हैं जो हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी भेजेंगे, और ताकि क्योंकि कई बातें जैसे ट्रांसलेशन में जो कई बातें सामने आई कि ट्रांसलेशन में ठीक है हमें जो है अपनी भावना तो ज़रूरी है, लेकिन तकनीकी अगर साधनों को इस्तेमाल किया जाए तो ट्रांसलेशन कुछ हद तक आसान भी हो जाती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों को मिला करके, और कि हमें ये नहीं सोचना है कि भाई डिजिटल माध्यमों से कुछ हमें नहीं प्रयोग करना, उसे भी करना है, लेकिन जो भावना है हमारी वो भावना जो है वो प्रमुख होनी चाहिए। तो कुछ नई ये शिक्षा नीति वाला किया, और इस तरह के हमने बहुत से वेबिनार की एक लड़ी जो है करते रहे। आप समझे कि हर दूसरे दिन एक वेबिनार हो रहा होता था, और इसमें देखिए अध्यापकों का कितना बड़ा रोल है। वो हर जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास, 15-16 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, और हर एक डिपार्टमेंट ने एक दो जो है वेबिनार किए, और बहुत खुशी से किए, और आगे बढ़ के किए, हम ये करना चाहते हैं। तो उससे जो है लोग भी जुड़े, देशों से भी और विदेशों से भी बहुत लोग हमारे इस वेबिनार्सों में जुड़े हैं। इसके साथ ही हमने जो जब लॉकडाउन नहीं था
तब भी हमने जो है कई तरह के कार्यक्रम हम करते रहे हैं। कुछ जो है बच्चों को इंटरेस्ट करते हैं, जैसे कल्चरल हैं या जो स्पोर्ट्स वाले जो हैं, वो भी हम जो है ईयरली तौर पे, वार्षिक तौर पे इनका जो आयोजन करते हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों को भी बुलाते हैं ताकि बच्चे उनसे लाभान्वित हो सकें। बच्चों को पूरा मौका देते हैं कि वो चाहे गायन के क्षेत्र में हो, चाहे चाहे वो डांस के क्षेत्र में हो, ये भांगड़ा गिद्दा हो या और भी फोक डांसेस हैं या फिर तो इन सब का मौका हम जो है बच्चों को देते हैं और ये बच्चों में बहुत पसंदीदा कार्यक्रम है और बच्चे इसमें बहुत आगे बढ़ के वो है हिस्सा लेते हैं। साथ ही हमने फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम किया तो कार्य किया है, क्योंकि एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने हंसराज कॉलेज के टीचर लर्निंग सेंटर के साथ मिलके भी किया था और एक हमने नई शिक्षा नीति पे किया और एक हम और करने वाले हैं, अभी 15 तारीख से वो शुरू होगा, जो कि डिजिटल जो माध्यम है जैसे जी सूट, गूगल मीट, इन सब का कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में है। तो कुछ फैकल्टी को भी ट्रेन करने की बात करी, बच्चों को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट वो दे सकते हैं कि बच्चों के को एकेडमिक जैसे कार्यक्रम है उनमें भी हिस्सा लेने में प्रेरित किया, कुछ लेक्चर्स भी किए और कुछ उनको मूल्यों से जोड़ने के लिए बहुत हमने कार्य किया, क्योंकि बच्चे जो है आज मूल्यों से जो है दूर होते जा रहे हैं। और चूँकि हम माता सुंदरी कॉलेज में हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये उस स्थान पे है जहाँ पे माता सुंदरी जी आप रहते थे और वो रह के उन्होंने 40 साल तक खालसा का जो है पथ दर्शन, मार्गदर्शन किया और एक खालसा नेता, जो सर्वप्रथम खालसा नेता थी वो माता सुंदरी जी थी। तो उनके जो मूल्य हैं कि किस तरह वो अकेले रहकर भी उन्होंने जो है खालसा को अलग अलग तितर बितर नहीं होने दिया, उन्होंने खालसा को एक फोर्स बनाया और साथ में पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने कितना किया, उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा की भी बात करी और सांसारिक शिक्षा की भी बात करी, गुटके बना करके और या फिर गुरु ग्रंथ साहब भी लिए उन्होंने जो है तैयार करवाए। तो इस तरह से उनका शिक्षा के प्रति भी रुझान था, वो एक नेता भी थी। और सबसे खूबसूरत बात और अचंभे वाली बात मुझे ऐसी लगती है कि देखिए लाल किला कुछ ही 1 किलोमीटर से कम में ही लाल किला जो है माता सुंदरी गुरुद्वारे के और हमारे कॉलेज के पास है। तो वहाँ पे जो राजा था या मुगल जो थे वो, उनकी जो नीति थी वो बिल्कुल अलग थी और माता सुंदरी जी की बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी वो माता सुंदरी जी का इतना आदर करते थे कि कई बातों पे उनसे राय लेते थे और इतनी पास वो रह सकी, जबकि उनकी जो बिल्कुल विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी। तो एक ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि वो किस तरह वो पास रही और यहाँ पे उन्होंने लंगर भी लगाए और जो बच्चे अनाथ उस तरह से उनको पढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया, घुड़सवारी और बाकी ट्रेनिंग भी दी। तो एक पूरी कंप्लीट व्यक्तित्व जो है माता जी की व्यक्तित्व में मुझे नजर आता है जो कि बहुत प्रेरित करता है। तो यही मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी सीखें और बहुत सी बातें कि भाई किस तरह से जो मूल्यों वाला जीवन है वो जो है आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप ये चाहें कि मैं ये कर लूँ तो एकदम मैं ये सफलता मुझे मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको हमेशा देखिए कि आप किस तरह से उस पर पहुँच सकते हैं, तभी आप भी जो लाभान्वित होंगे और समाज के लिए भी कुछ कार्य कर सकेंगे। बिल्कुल मैम, ये जो संदेश है ये मैं चाहूंगा कि हमारे हमारे खुद के लिए और हम सभी के लिए जो भी दर्शक वर्ग है उनके लिए एक मिसाल बने, उनके लिए मोटिवेशन, एक प्रेरणा बने जिससे वे जीवन में परिश्रम करके आगे बढ़ सके, और मैं खुद भी इसे अपनी प्रेरणा मानता हूँ। मैं एक वाक्य साझा करना चाहता हूँ कि आपने 550 साल पर माता सुंदरी महाविद्यालय द्वारा गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किया गया था, समारोह किया गया था, जिसमें प्रदर्शनी भी थी और गुरु नानक देव जी के से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित और अनेक व्याख्यान हुए। तो मुझे मौका मिला था आपको सुनने का और आप हमेशा कल्चरल संस्कृति और मूल्यों और वैल्यूज की बात करते हैं। आपने उत्तरी कोरिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, वार्सो यूनिवर्सिटी, पोलैंड, कैलिफोर्निया,
अनेक देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की हैं, वहां पर आपने गुरु नानक देव से संबंधित अपने वक्तव्यों को रखा है, अपनी बात रखी है वहां। और आपको कैसा एक एक गर्व महसूस होता है, आपको कैसा महसूस होता है इससे संदर्भ में आपको बताएं। ये देश विदेश में जो मुझे ये जो मूल्य प्रसारित करने की जो मौका मिला है, उससे मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखो, जो मूल्यों के बाद जो इतनी आगे आई नहीं है और बच्चे कुछ जो है इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उस बारे में मैं इसको लोगों को जो है बतला सकी। जैसे मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया में है, बहुत ऊंची उच्च दर्जे की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ गई। वहाँ के जो ग्रेजुएट्स थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने कैसे जो है सिख मूल्यों के बारे में उन्हें कितना कुछ पता था, और जितने भी बच्चे बैठे थे वहाँ वो सब सवाल पूछने के लिए तत्पर थे। और सवालों के घेरे में आपको इसलिए क्योंकि वो उनकी जिज्ञासा थी, तो इस तरह से जो नई बातें जो है और नया कल्चर जो देखने को मिलता है और नई तरह की जो बातें सामने आती है, वो मुझे बहुत बड़ा चैलेंजिंग लगता है और बड़ा अच्छा लगता है। उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम कुछ कर सके और इंटरकल्चरल एक्सचेंज की जो हम बात कर सके और हमारे जो मूल्य हैं उनको हम जो है आगे से आगे जो है बता सके कि भारतीय मूल्य जो हैं वो बहुत ही मूल्यवान हैं और इन्हें हम हमें फैलाना है, लोगों को बतलाना है कि हमारा जो इतिहास है वो इतना ज़्यादा रिच है कि उस बारे में लोगों को पता नहीं है। तो जैसे कि जैसे आपने बोला कि जो हमने हमें गुरु नानक देव जी पे जब कॉन्फ्रेंस करी, तो वाइस प्रेसिडेंट जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है हमीद अंसारी जी भी आए और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वक्तित्व दिया। हालांकि देखिए वो एक मुस्लिम संप्रदाय को वो करते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी जो बातें कही वो आज भी जहन में जो है गूंजती हैं। तो ये कहना कि भाई ये सारे जो डिफरेंसेस हमने बनाए हुए हैं, ये तो हमारे सामाजिक जो है डिफरेंसेस हमने खुद बनाए हुए हैं, दिल से दिल मिलने वाली बात है। और जो मानवीय मूल्य है वो सर्वोपरि है, तो इन मानवीय मूल्यों को हमने, और यही ह्यूमन राइट्स भी यही कहता है कि जो राइट्स जो है ह्यूमन बींग्स को दिए जाने चाहिए, तो यही बात जो है किसी भी धर्म में समाहित होती है। सिर्फ हमें जो है उस बात को उजागर करना है, उस बात को फैलाना है, बच्चों को समझाना है, क्योंकि कई बारी जो है बच्चे गलत दिशा पकड़ लेते हैं तो, और जो है मानवीय मूल्यों को जो है त्याग देते हैं, तो आज उसी बात का ज्यादा डर है। तो इसीलिए जो है मूल्यों की बात करना मुझे अच्छा लगता है ताकि जो युवा पीढ़ी है इससे जुड़ी रहे। बाता सुंदरी में कॉलेज में मेरा खुद का अनुभव, जो थोड़ा बहुत अनुभव मेरा रहा, मैंने देखा कि विद्यार्थी लेकर शिक्षक तक सभी लोग आपके प्रति जो आपका जो रवैया है, आपकी जो उदारता है और कार्य करने की जो आपकी निष्ठा है उसको लेकर हमेशा प्रशंसा करते हैं इस चीज की। और मैं स्वयं भी ये जानता हूँ आप निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों पर निरंतर कार्य करते हैं। आप इतनी व्यस्तताएं होने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति की, अंतिम व्यक्ति तक की, हर एक व्यक्ति की बात सुनती हैं, उसको तवज्जो देती हैं। अब जो मूल प्रश्न वो है जो मैं कहना चाहता था वो ये है कि आप हमारे जो शिक्षक वर्ग हैं, जो जिसमें छात्र जो है हमारा, जो विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके विद्यार्थी हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उन सबको एक संदेश क्या देना चाहेंगे आज के अपने वक्तव्य के माध्यम से कि हमें जीवन में किस प्रकार से हम एक अच्छा दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अपने दार्शनिक स्तर पर एक अच्छी स्थिति पर पहुंच सकते हैं। पहले तो ये कहना चाहूंगी, जो भी काम करो आप दिल से करो उसको, कहीं हाफ हार्टेड जो बात है उसको ना आप प्रयोग में लाओ। जो भी कार्य करो आप दिल से करो। जैसे आप कह रहे थे कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे चेयरमैन है श्री विक्रमजीत सिंह साहनी जी, जो कि पद्मश्री हैं, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मुझे एक चीज लग रही है, यहाँ पे जो अध्यापक हैं वो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मतलब तो उनको एक डर था कि कहीं इतने बड़े हैं कि शायद इसको इतनी जो है जो एक रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि
आप अगर जिस लोगों को आदर दोगे तो वो लोग आपको आदर देंगे, तो एक आपस में जो एक जो व्यवहार है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो कोशिश होती है कि हर छोटे छोटे कार्य को मैं देख सकूं और कुछ काम जो है मैं डिसेंट्रलाइज करके बांट के डिवाइड करके करती हूं, और जो कार्य कर रहा होता है उसमें पूरी मेरी श्रद्धा होती है कि जो कार्य करेगा वो बिल्कुल ठीक करेगा। हालांकि और जो भी मेरे से पूछने आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। तो एक ये ज़्यादा ह्यूमन रिलेशन वाली बात है। और अब देखो ये 1.5 साल में 200 से ज़्यादा अध्यापक हैं और 100-150 से ज़्यादा जो है नॉन टीचिंग वाले हैं। अब सबके नाम मुझे पता हैं और सबके साथ एक लगाव सा भी हो गया है, क्योंकि उन ये कि ह्यूमन रिलेशन वाली बात है कि हम उनको कितना, चाहे छोटे पद पे भी हैं लेकिन हम उनको कितनी आदर से प्रति अपने आदर के से उनको व्यवहार अपना करते हैं। तो ये सब कुछ बातें, ये तो आई थिंक ये सारे ही जानते हैं कि उस तरह से। और दूसरी बात, कार्य को जो करो दिल लगा के करो, और आधा अधूरा कार्य जो है आपको फल नहीं देता। अगर आप सारा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम ले लो, लेकिन आपको जो भी करो उसको दिल लगा के करो, और साथ ही जो है एक श्रद्धा भावना के साथ करो। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि सबकी डिग्निटी है उसको ध्यान में रखो, तो लोग अभी आगे आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे ताकि आप और भी काम कर सकें। और कॉलेज को जो थोड़ा बहुत ही जो आगे कॉलेज में बदलाव में ला सकी हूँ वो इसीलिए ला सकी हूँ कि जो 450 लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, जो सभी अपने कार्य के प्रति बहुत सजग हो गए हैं, और अगर सफाई कर्मचारी भी है तो वो सफाई अपने का जो कार्य है बड़े ध्यान से करता है, क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं मेरे कार्य की प्रशंसा हो रही है, कोई देख रहा है। माली है तो उसको लगता है कि मैं अच्छा काम करूं, या फिर अध्यापक है तो कई लोग आके मुझे कहते भी हैं कि मतलब ये बच्चे आके मुझे बताते हैं कि बहुत जो है हमारे अध्यापक हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत समय भी देते हैं। और लॉकडाउन के दौरान भी देखिए घर से वो रेगुलर जो है क्लासेस भी लेते रहे हैं और बाकी काम भी करते रहे हैं। तो एक परिवार का जो माहौल होगा और साथ ही प्रोफेशनल माहौल होगा, दोनों चीज़ को आपको कंबाइन करके चलना है। तो आई थिंक यही मुझे लगता है कि यही कुंजी है सफलता की, कि प्रोफेशनली तो काम करना ही है लेकिन उसमें भी एक जो पारिवारिक मूल्य हैं उनको नहीं त्यागना, तो आपका जो आपकी संस्था है वो आगे जो है तरक्की करेगी। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैम मुझे निश्चित रूप से सीख मिलेगी। कार्य के प्रति निष्ठा और श्रद्धा ये आपको एक विशेष दर्जा उपलब्ध कराती है। और अब मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि मैम भावी योजनाएं जो भविष्य की हैं उसको लेकर आप क्या साझा करना चाहेंगे हमसे? भावी योजनाएं सबसे पहले तो मेरे जो छात्र हैं उनके प्रति है, तो छात्रों को कुछ ऐसा माहौल देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ के काम कर सकें और आगे जो है क्षेत्र में जाएं या फिर क्षेत्र में जाएं तो वो बहुत सफल रहें। तो उनको ऐसा माहौल जो है प्रदान करना चाहती हूँ, और इसीलिए हमने कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज भी हैं, वो भी शुरू किए हैं और बच्चों ने उसमें खासा इंटरेस्ट भी लिया है और उसमें भाग भी लेते रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स भी बच्चों को कराते हैं। और टीचर्स में मैं चाहूँगी कि टीचर्स और जो है अध्यापक और बच्चों में एक मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप हो, सिर्फ आप अध्यापक ही नहीं हो बल्कि उनकी जो सारी समस्याएं हैं उनका भी समाधान करते हो, और बच्चे आपसे इतने फ्री हैं कि आपके पास आके अपनी समस्या भी रखते हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ा के चले जाओगे तो फिर नहीं रखेंगे जब तक आप बच्चों से एक 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं रखोगे। और तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अध्यापक भी उस तरह से करें, और दूसरी बात अध्यापक भी रिसर्च के कामों में जो है आगे से आगे काम कार्य करें, और रिसर्च के लिए एक अलग से इंसेंटिव भी उन्हें प्रदान करना चाहती हूँ कॉलेज लेवल पे। ये मेरी अभी फिलहाल जो है योजनाएं हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो देखो लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की जो है नौकरियां गई हैं, कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं हैं,
तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम कुछ बेनिफिट दे सकें ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है जारी रख सकें। और भावी योजना अगर आप मेरे अपने जो पर्सनल जो है उसके बारे में कहेंगे तो कॉलेज तो सबसे सर्वोपरि है ही, और साथ ही मैं चाहूँगी कि मैं अपने लेखन कार्य को जो है जारी रखूँ ताकि जो अंदर से मुझे खुशी मिलती है मैं लेखन करने से वो बनी रहे, और साथ ही कॉलेज को भी जो है जो दिन मेरा कॉलेज भी दिन दुनिया और रात चुगनी जो है तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपने इतनी व्यस्तताओं के बावजूद आप हमेशा हमें समय देते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है जब भी हम आपके बारे में, आपके संदर्भ में बात करते हैं, तो पहले आप अपने कर्म क्षेत्र यानी अपने कॉलेज और अपने शिक्षण कार्य को पहले रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा औहदा है और बहुत बड़ा गर्व की बात है हम सभी के लिए कि आपने हमें समय दिया, आपने जीवन के अनुभवों को हमसे साझा किया, हमारा ज्ञानवर्धन किया। और निश्चित रूप से यह जो एक रिलेशन है एक शिक्षक और एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के तौर पर, ये आप हमेशा हमें समय देते रहें और ये संबंध और प्रगाढ़ होता रहे और ये शानदार और खुशहाल होता रहे। इसके साथ साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद।